दरमियान, ये वाली, हाँ ये ब्रेक जब रोकनी हो। अच्छा अच्छा, और ये वाली भगानी हो। हाँ ये इस पांव से दबाते हैं, ये दूसरा पांव जो आप। मैं एक टांग से यूं का इतना सबक काफी है। मेरी पसली चढ़ गई। ये बुड्ढे वेले हनीमून मनाएंगे। आप बुड्ढी भी नहीं हो ना, जो बता शोर को बुड्ढा, आपने बुड्ढा नहीं हो ना। फिर खा रही हो? हाय अल्लाह, फिर खा रही हो, फिर खा रही हो। हाँ। मुझसे पूछो, मैं फिर खा खा के थक गई हूँ। क्यों? खाने के लिए बहुत दिल करता है? हाँ, पेट में गुंजाइश नहीं होती खाने की। अब आप नजर तो ना लगाओ। अच्छा, ताज विलाग नहीं बनाना? बनाना है, क्या बनाना है, इन्हें ना ऐसे ही याद आ जाता है। ये ना कैमरा उठा के आ जाते हैं, आज विलाग नहीं बनाना। तो इनको मैं इतनी दफा समझाया है कि विलाग ऐसे नहीं बनता। ये अभी तक जो कामयाबी हासिल की नहीं, मेरे समझाने से हुई है। मुझे मैंने अगर वही तो आपसे समझ नहीं आया हूं ना, इनको समझाना छोड़ दो ना। तो ये फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं दसो सियाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी हों खुश हो, खुर्रम, हंसते बसते और मुस्कुराते हों। हम भी आप लोगों की दुआओं से मुस्कुराते खुशबाश बेगम सबत बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि खा खा के पेट भर गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हाथ में अमरूद है, अमरूद है। और यहाँ पे ब्रेड लगे हुए हैं, ये देखो। तो ये रेसिपी की मेरे को तैयारी हो रही है। चलो आप तो रेसिपी बनाओ, लेकिन मेरे साथ विलाग तो बनाओ ना। तो शुरू करें। हाँ, क्या करना मेरे, मैंने ना, तो जब से मैंने, हमने गाड़ी ली है, मैंने गाड़ी ली। चलो आपने ली, देखो हर चीज खातून ने खाना की होती है। हमारी कहाँ, वो एक मैसेज आया हुआ था कि आप ही टेंशन ना लो, जब मर्दों को आईना दिखाते है ना तो वो डिसार्ट हो जाते। अच्छा अच्छा जी, बोर नहीं करते। असल में ना मैं इनको ना कब से कह रही हूँ, मैंने ड्राइविंग करनी है। वो तेरी खैर, तेरी खैर। देखिए ये होना चाहिए था, इनको शुरू खुद एहसास होना चाहिए ये था। मैं विलाग बनाने आया था, आपने एकदम से शुरली निकाल दी है। शुरली नहीं है ये, सच्ची बात है। मैं इनको खुद ख्याल होना चाहिए था, बीवी को ड्राइविंग, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ हमारे जो ये सरताज साहब है ये ऐसा सोचे। इनको यूं फील होता है कि बीवी के हाथ में ना हम वो दे देंगे, लगाम पकड़ाने वाली बात है, वो फिर बेलगाम हो जाएगी। तो अब मैं देखती हूँ, इनको कहती हूँ मुझे गाड़ी सिखाएं आप लोगों के सामने, ये मुझे गाड़ी चलाना सिखाते हैं या नहीं सिखाते, बताओ। अब मेरी तरफ से तो सीख लो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। हाँ। लेकिन आपको तो अलिफ अनार वाली बात भी नहीं है आपकी। नहीं, आप तो गाड़ी पे पैदा हुए थे। ये तो इसको आ जाएगी चलानी, ये तो मेरी मोहताजी नहीं रहेगी। तो वो ना होती है ना फीलिंग होती है मर्दों वाली। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने भाई सीखनी है तो चलो आए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें तो बताऊं ना, कुछ सीखे देख लो कि क्या क्या अंदर होता है। गाड़ी खुलती कैसे है, गाड़ी में बैठते कैसे हैं, चाबी कहाँ लगती है, वो तो देख लो ना। चलो पक्का है, तेरी खैर हो, जट्टी चाड़ के कचहरी है। चाबी दो। चाबी तो मैं देता हूँ, आपको ये शौक कैसे चढ़ा, सही से बताओ। शौक चढ़ा, शौक होता है, जरूरत होती है। मुझे काफी मेरी बहनों ने भी कहा है कि भाई आप ड्राइविंग सीख लें, अच्छे ही रह जाएंगी। हाँ हाँ। किसी को कहना नहीं पड़ेगा मुझे यहाँ ले तो जाओ, वहाँ ले जाओ, यूं करो यूं करो। ये तो ना आप लोग ना मेरे हाथों से निकलता निकलता मैं कुछ देख रहा हूँ। हाँ, नहीं वो देखते रहो सुनते रहो। असल में ना मैंने खुद भी सोचा कि बात तो उनकी सच्ची है जो मुझे ये मशवरा दे रहे हैं, मैं क्यों किसी की मिन्नत करूँ, मैं खुद ही ड्राइविंग करूँगी, जहाँ मर्जी दिल करे जाऊँ आऊँ, मैं कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये कैमरे के पीछे दांत ऐसे किच 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 किचका रही है ना। तो ना ना बात ना बिगड़ती बन रही है या पत्नी बनती बन रही है। अच्छा, अच्छा चलो। हाँ। तो फिर अब ड्राइविंग करनी है मैंने, करनी है। हाँ। अच्छा मैं सीधी सीधी ड्राइविंग करनी है, मैंने कोई नहीं चीजें पूछनी। सीधी हंसते हो? हाँ, सीधी सीधी ड्राइविंग ही करनी है। और क्या, पहले मैं चीजें पूछूं, सबक पढ़ू? नहीं भाई, बस बैठ के भगानी है। हाँ, भगानी है। चलो ये चाबी ऑन कहाँ से होती है? अच्छा ये तो बताओ, देखो ना क्या 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 चीज़ है, लॉक और अनलॉक है। अच्छा चल। हाँ हो गई, हो गई। आवाज आई है, आवाज आई है। हाँ।
वाह जूते तो साफ कर। अच्छा जी सीट आगे क्यों है? सीट हाँ सीट आगे है। अच्छा मैं तो आपको पीछे करके दूँ। नहीं नहीं फिर मैं पीछे टांग कैसे वहाँ तक पहुँचाऊँगी। वहाँ करो पीछे यहाँ तक। हाँ अच्छा इधर देखना इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मैं अपनी गाड़ी में बैठ रही हूँ तो किसी के दिल पे छुरिया चले या आ रहे तो हम तो ड्राइविंग करेंगे और सीधी सीधी ड्राइविंग करेंगे। अच्छा। मैं बड़ा सोचा मैंने कहा ये आपने मुझे कभी नहीं कहा जब से आई है कितने महीने हो गए। हाँ दो एक महीने हो गए। आपने मुझे कहा कि मैं आपको ड्राइविंग सिखाऊं कभी भूल के भी कहा। नहीं नहीं आज तो आप शेर नहीं बन के आ गए हैं। मुझे रात को भी किसी ने कहा है। अच्छा हाँ गाड़ी सीखो। हाँ गाड़ी सीख ले। नहीं वैसे आप गाड़ी यूं करके कहा पागल गाड़ी सीख ले सीख ले। अच्छा हाँ तो ये तो फिर आप ना है किसी के पढ़ने पढ़ाने पे चल रही है खुद की अकल नहीं काम करती आपकी। वही मैं तो पहले मासूम सी थी ना आपकी लेकिन फिर मुझे दुनियादारी आ रही है ना। देखे जी बंद करना। चलो मजाक बनवा वो तो मुझे हाथ नहीं वहां तक जा रहा था पहले मैंने ऐसे किया फिर मैं ऐसे कर लूंगी। अच्छा चलो आ जाओ। चलो बंद करो। वाह हाँ इतनी भी खुली कर दी है अब आप खुद ही खुली ढेसा रही हो। ये यहाँ पे लगाना मुझे आता है। अच्छा ये तरीका कहाँ सीखा हुआ सही से बताओ कहीं पहले से तो नहीं सीखा। आपके बच्चों को आता है तरीका ना हाँ, सारा हाँ, हाँ, उनको भी आता है। हाँ, फिर अब मुझे लकड़ी की टांग लगवा दो जो मेरा पांव आता है। ये देखे जी टांग पहुंच ही नहीं रही। ऐसे करके पहुंच तो जाती फिर मुझे लेट के पड़ेगी है। नहीं नहीं आप चलाओ अभी लेट के। नहीं अब मेरी सीट इतनी पीछे कर दी है। अच्छा आगे करो। अच्छा सीट ना आगे करने के लिए बताऊं मैं आपको ना। हाँ मैं कर लूंगी। अच्छा जी सीट बेल्ट लग चुकी है। हाँ। तो अब अच्छा तो... आपको इतना ही शौक है तो बता ही दो। अच्छा असल में ना मुझे खुद नहीं पता आपस की बात है आप लोगों को बता रही हूँ तस्वर को नहीं बतानी। हाँ चलो क्या याद करोगे कि भाई कोई पूछा है मुझसे किसी ने इन्हें बड़ा शौक है दूसरों को बताने का सबक देने का। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा अभी ना पहले आप सीट बेल्ट उतारो ना आप सीट सीट का चिपक गई हो ऐसे ना बेल्ट हो गई हो। नहीं नहीं सबसे पहले सेफ्टी ठीक है ना। हाँ, सेफ्टी हाँ। तो जरूरी है ना। हाँ। लेकिन अभी मैं आपको चला थोड़ी रही हूँ अभी तो मैं आपको चलाऊंगी। अच्छा चलाऊंगी। ये क्या है स्टीयरिंग। हाँ ये स्टीयरिंग है। इसकी बेल हॉर्न कहाँ पे होता है ये इसका हॉर्न है। अच्छा ये जरा सा यहाँ पे उंगली रख के आपके दबा दे। मैं इसको काफी अरसे से समझ रही थी हॉर्न लगाओ कहाँ पे ये वाला ये तो उसका मोनोग्राम है ना। अच्छा हाँ। नहीं तो इतना बड़ा तो होना चाहिए बंदा यूं करके कर रहा हो तो जल्दी जल्दी यूं दबाए। हाँ। नहीं नहीं ये यहाँ पे भी यहाँ से पकड़ा होता है ना अक्सर तो इसलिए यहाँ पे ना उन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा तो ये स्टीयरिंग ये बोला किस काम आता है ये दाएं बाएं करने के लिए दाएं बाएं। हाँ। नहीं नहीं ये आप जैसे जैसे घोड़े की लगाम होती है ना छिक छिक हाँ ये समझो वही है। हाँ तो वही हाँ। क्या मतलब इससे गाड़ी रुक जाएगी नहीं नहीं दाएं बाएं होगी। हाँ दाएं बाएं भी होगी तो अच्छा, ये क्या होता है आप लोग सिर्फ इसको पकड़ते हो और इसको पकड़ते हो ना और किसी चीज को नहीं छेड़ते। हाँ ये बताओ ये हाँ। इसको आप ना गियर शिफ्टिंग वाला गियर लीवर मुझे क्या पता गियर लीवर करते क्या है ये बताओ। ये इसके इससे ना ये गियर लगाते हैं ये यूं करके ना हाँ। ऐसे आगे पहला हाँ। फिर यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है ऐसे हाँ। तो यहाँ पे ऐसे नीचे दूसरा जो जो आपने से पीठ आगे पीछे करनी है ना हाँ। तो चलाने के लिए सबसे पहले आपने यूं आगे करना है इधर इधर दोबारा दूसरे से पहले गियर में आने के लिए क्या करते हैं। नहीं बताते। अच्छा छोड़ गोली मारो इसको कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है ये वाला ब्रेक है इससे ब्रेक गाड़ी रुक जाएगी। आप इस जैसे यूं अब जिस पोजीशन में ये है ना अब इस पोजीशन में गाड़ी रुक जाएगी ब्रेक लग और जाएगी। चलेगी कैसे इसको ना ये दबाना होता है ये वाला दबाओ बोला नीचे करो दबा के ऊपर करो पहले इसको पकड़ के बाहर खींच रही हो ऊपर करो इसको ऊपर करो इसको ऐसे यूं पकड़ो हाँ अंगूठे इसके ऊपर रखो और ऊपर खींचो हाँ इसको दबाओ
अच्छा। ऐसे अब नीचे करो। अच्छा ये तो बड़ा सख्त है। हाँ ऊपर करके ना नीचे। हाँ और हाँ अब नीचे कर दो। नीचे ऐसे नीचे ऐसे ये देखो। अब वापस कैसे जाएगा? ऊपर ऐसे। ये चल रही है गाड़ी? नहीं चल रही। चक्कर आ रहे। चक्कर आ रहे। ये तो मुश्किल है। हाँ इसको खींचो ऊपर ऐसे 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 दबाना नहीं खींचना ऐसे टूट ही ना जाए। नहीं टूट। बड़ा एहसास है वैसे है। और क्या। अच्छा अच्छा अभी चलाई जो नहीं है। हाँ हाँ अच्छा तो, और क्या है? ये बटन क्यों लगे हुए हैं? कौन से ये वाले बटन? ये इनमें से एक वो ये जो मिरर है ना ये वाले इनको ना सेट करने के लिए के पीछे आगे कहाँ पे करना है। जैसे अब ये देखो अभी तो चाबी नहीं लगी हुई ना। अच्छा, तो नहीं करेगा। ठीक ठीक कौन से वाला? छोटा वो छोटा। हाँ, हाँ, हाँ आगे पहुँचाओ। हाँ, हाँ ये वाला ये है ये इसकी ना एक्सीलेटर है स्पीड यानी के। अच्छा, और साथ वाला ये वाला ब्रेक ये और ये क्लच इसको दबा के ये गियर लगाते हैं। अच्छा आगे समझ। आगे समझ बड़ी आगे। और क्या सीखना है? बस है? बस इतना ही होता है। अब चलानी चलानी है। अब चल... अच्छा अब नहीं चला... मैं नहीं चला सकती। नहीं, नहीं, ये नहीं, मतलब है मैं नहीं ड्राइविंग कर नहीं, सकती। नहीं चला सकती हूँ मैंने कब कहा? हाँ नहीं चलाओ चलाओ। अच्छा गाड़ी ऑन कैसे हो? ऑन ये कंप्यूटर है जो ऑन होना है। मतलब स्टार्ट स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए ये चाबी आपके पास है इसको कहाँ लगाओगी भला? वो देखो चाबी वाली जगह लगाओ। लगाओ लग गई चाबी? हाँ घुमाऊं? हाँ बस 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 यम्मी। सच्ची मुझे बड़ा डर लगा। मेरा बीपी लो हो रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुई। हाँ। अभी स्टार्ट नहीं अभी ये चल रही है खुद ही। नहीं अभी स्टार्ट नहीं अभी वो लॉक हुई है। अच्छा तो ना इसके लिए एक और भी है इसके लिए एक जंतर मंतर भी पढ़ना पड़ता है। कौन सा? तो जब तक जंतर मंतर नहीं पढ़ेंगे ना इसके वो स्टार्ट नहीं होती। हाँ देख लो उम्र यार की गाड़ी। हाँ देख लो अब नीचे होगी। इसका कुछ डिस्प्ले को आया देख लो कहीं पे सब कुछ ऑफ है। ये फिर क्या बात हुई? अब आपने कहना है आई लव यू माई डियर श्योर। देखो खुद खुद ये ऑन हो जाएगी। नहीं 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 वो अभी तो पंखा चल रहा है आगे वाला ना स्टार्ट नहीं हुई। तो इसके लिए क्या करना है इसका ना एक कोड है तो वो पहले मिलाना पड़ता है उसके बाद ये ऑन होगी। वही वाला आई लव यू वाला। आई लव यू वाला। आई लव यू माय डियर हस्बैंड। हाँ अब देखो चीजें ऑन हो गई है। हाँ, मैंने बेल्ट लगाई है वो बोली भी नहीं है। हाँ देख लो। हाँ, अब आपने भी लगानी है ठीक है ना। अब देखो ये ना सारी चीज इसकी ऑन हो गई। ये इसका कोड है। अच्छा हाँ, जिसने भी गाड़ी में बैठी वो आपको यही बोलेगी। हाँ। कितना खुश हो रहे हाँ स्टार्ट हो अब हुई है। ये चलेगी खुद ही? चल पड़ेगी? नहीं चले खुद ही नहीं चलेगी। ये आपने जो छेड़ा था? नहीं नहीं कुछ भी नहीं ये बस ऐसे ही है न्यूट्रल है। अब देखो मामा अब आप उसको दबाओगी ना वो चल जाएगी। उसे कितना पता किसको दबाऊंगी? वो नहीं खड़े ये तो वो ना स्क्रीन साफ करने के लिए ना वो मेरे हाथ से दब गया। मैं समझी मुंह पे ब्लशोन लगाने के लिए। ब्लशोन ये मुझे ऐसा समझते जैसे मुझे पता ही कोई नहीं वाइपर से क्या काम होता है। कहते हैं ये स्क्रीन साफ करने के लिए मैं जैसे मैं समझी थी मुंह पे ब्लशोन लगाने के लिए है। अच्छा अब आपने मुझे गिया गुजरा गाड़ी को भी खातून बना लिया आपने मुझे गिया गुजरा समझा हुआ है। तो मैं गाड़ी जब भगाती हूँ ना रोड से गाड़ियाँ हट जाएंगी जब मैंने भगाई तो। हाँ ये बात तो है। हाँ। वैसे आप सही लग रही हो गाड़ी आपको चलानी चाहिए। हाँ, चलानी हाँ? चाहिए ना हाँ? तो जो मेरे कुछ हो रहा है मुझे गाड़ी मुझे। अच्छा अब आपने ना एक्सीलेटर दे दबाना वो वाला वो भाई नहीं कुछ होता कौन से वाला इधर वाला ये वाला सच्ची अब उसको दबाना ना दबाओ आप ये चल जाएगी नहीं चलती दबाओ वो देखो सुई हिली है ना और दबाओ और दबाओ। हाँ अरे बैठे बैठे चलेगी नहीं नहीं चलेगी नहीं पक्का पक्का मामा ये बस मामा उसको दरमियान वाले को दबाना। हाँ। दरमियान वाले को दरमियान वाले से क्या होगा वो ये ब्रेक होती है
ये वाली? हाँ, ये ब्रेक जब रोकनी हो। अच्छा अच्छा, और ये वाली भगानी हो? हाँ, ये इस पांव से दबाते हैं, ये दूसरा पांव जो आप। मैं एक टांग से यूं तरीका एक टांग से देखा कितना अच्छा स्टूडेंट आपका। हाँ ये बात तो है। चलो चलो, नहीं मैं जल्दी से इस टांग से इधर भी कर लूंगी, फिर इधर भी कर लूंगी। एक टांग तो नहीं थकेगी ना? हाँ, एक रेस्ट पे रहेगी, जब वो थक जाएगी फिर ये इसको इस्तेमाल करेंगे। चलो जी, तो चलो आज की ड्राइविंग हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ जी, तो आज का इतना सबक काफी है। मेरी पसली चढ़ गई मेरी पसली चढ़ गई चाबी निकालने के चक्कर में। हाँ तो बेल्ट, सीट बेल्ट, सीट बेल्ट उतारो ना। चलो ओ मेरी पसली चढ़ गई। ये ना वो गाड़ी चलाते चलाते बंद गाड़ी में मैं कहीं और पहुंची हुई हूँ। वो कहने ना सब ट्रैवलिंग फोबिया है। हाँ, हमने हनीमून पे जाना था, ये बड़े तैयार रहते थे हम इन गर्मियों का। मैं तो नहीं जाती, आप अपने बच्चों के साथ हनीमून पे चले जाओ। मैं नहीं जाती, मुझे इतना डर लगता है। हनीमून हमारा लेट पेंडिंग है, इंशाल्लाह हनीमून हम करेंगे। इकट्ठे बच्चों के साथ जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी। हाँ, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर इनकी बुड्ढा बुड्ढी भी जा रहे होंगे साथ। तो दिल जवान होने चाहिए, उम्रों में कुछ नहीं रखा, वो इवेंट मनाते रहना चाहिए जब भी टाइम लगे और जेब वगैरह इजाजत दे। तो आप ये समझ ले हमारा हनीमून इसलिए पेंडिंग था कि हमारी जेब हमें इजाजत नहीं देती थी। तो अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं, और आप जैसे अच्छे लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। हाँ जी, ये बुड्ढे वेले हनीमून मनाएंगे। आप बुड्ढी भी नहीं हो ना? जो बता शोर को बुड्ढा, आपने बुड्ढा नहीं हो ना? नहीं, मैं तो अच्छा, थोड़ा सा मेकअप करके जवान रहूंगी। अच्छा चले ठीक है। ये हनीमून क्या होता है? ये हनीमून सुरेश से पूछो, हनीमून क्या होता है? आपकी शादी होगी ना फिर बताएंगे हनीमून क्या होता है। ये सैर करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं जैसे ना, घूमने फिरने को ना हनीमून कहते हैं। ये खतरनाक बच्चे ने सवाल पूछ लिए। हाँ। तो इसी के साथ इजाजत दें, दुआ में याद रखें, फिर अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।